हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं आशीष यादव। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ तीन ऐसे ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ये लगभग हमेशा काम नहीं आता है, पर आपको कभी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को देखते रहे। फर्स्ट हमारा ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लो अगर आप इसमें कुछ टाइप करते हो तो आपके लिए हमें रिबन बार की जरूरत नहीं होती है, तो हमें इस पेज को और ज्यादा दिखाना होता है, मतलब हमें और पेज चाहिए ऊपर तक। तो आप क्या करते होगे, अगर मान लो आप यहाँ से टाइप करते हुए आ गए यहाँ तक और फिर आपको नीचे का देखना हो, तो हमें पेज उस समय पे ज्यादा चाहिए होता है। तो हम अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि हम इस रिबन बार को शो नहीं कराए, हाइड करा दे, तो जिससे हमें इसका बार बार पेज को हमें वहां से जाके ऐसे ड्रैग ना करना पड़े, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप इसमें किसी मेनू पे, आपका जो मेनू ऐसे ओपन हुआ है उसी मेनू पे आपको जाके डबल क्लिक करना है। सपोज आप जिस पेज रहो उसी पे रहना है और डबल क्लिक कर देना है माउस से, तो आपका वो जो मेनू है वो हाइड हो जाता है और फिर आपके पेज की जो साइज है वो थोड़ा, मतलब जो हमारा हाइड हुआ होता है उसकी जगह पे पेज दिखता है, तो हमारे पेज थोड़ा हमें ज्यादा शो होता है। तो हम इसमें क्या थोड़ा और भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ट्रिक। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। तो दूसरा क्या होता है कि मान लो अगर हम इसमें कोई टाइपिंग वगैरह किए हैं, और टाइपिंग के दौरान हमें क्या होता है कि अगर हमें कुछ मान लो इसमें एडिटिंग वगैरह करना है, तो हम यहाँ से फिर ऐसे क्लिक करते हैं, फिर जैसे अगर मान लो हमें इसमें कोई कलर देना है किसी फॉर्मेट को, तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाके आप ऐसे करके जब ऐसे कलर दे देंगे तो हमारे देखो वापस से जो रिबन बार है वो हाइड हो जाता है। अब हमें मान लो हमारा जो टाइपिंग था वो प्रोसेस हो गया है, अगर इसमें आपको फॉर्मेट करना हो बार बार, हमें यहाँ से इस करने में फिर यहाँ से लाने में ज्यादा टाइम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेनू पे क्लिक करो, इसके बाद उसी पे डबल क्लिक कर दो, तो ये आपका जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये था दूसरा ट्रिक। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे मान लो हमें कुछ यहाँ टाइप करना है, तो हमने यहाँ कुछ टाइप करते हैं बाद, और फिर मान लो हमें यहाँ नहीं है और थोड़ा आगे टाइप करना है, तो हम टैब प्रेस करते हैं, पर टैब में कुछ हमें कुछ दूरी पर आगे जाता है। ये देखो, अगर आपको यहाँ से और आगे जाना तो आप जाओ और डबल टैप करो, जहां भी करोगे आपका कर्सर वहां आ जाएगा, फिर आप इसके बाद आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, आप जो लिखना चाहो आप यहाँ टाइप करो, फिर इसके नीचे आप कहीं भी डबल टाइप करो और जो भी लिखना चाहते हो आप उससे लिख सकते हो, आपको कहीं भी टाइप करें, जहां भी आप टाइप करोगे वहां आपको कर्सर पहुंचाएगा, आप वहां टाइप करो जैसा आपको चाहिए। आप सिर्फ देखो, मैंने जहां डबल क्लिक कर रहा हूँ हमारा कर्सर वहां आ जा रहा है, हम वहां कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं, तो आप यहां से देखो कुछ भी कर सकते हो। देखो हमने कर्सर को कहीं भी डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद हमें जो भी टाइप करना है हम वहाँ अपना काम चालू कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों कमेंट, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिव मिलता है, तो प्लीज ये करना।